और SD कॉलेज में हमारे साथ हमारे दो हैं, ये प्रेसिडेंट है मिस्टर राहुल खन्ना और साथ में अर्शप्रीत जी हमारे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है ना। तो आज आप ये आपको बताएंगे कि NSS को ज्वाइन कैसे करना है और NSS है क्या, और जो NSS को ज्वाइन कैसे करना है वो मैं ही बता देता हूँ। देखो, एक तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मैं दे दूँगा, रुको एक मिनट, एक तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मैं दे दूँगा, साथ ही साथ मेल पे भी सबको आया हुआ है NSS, NCC और हमारे आदर्श फाउंडेशन कॉलेज की नई फाउंडेशन है, NGO है ना। तो NSS के बारे में बताओ कुछ, NSS के बारे में बताओ। हाँ जी, तो आप भी आओ। बेसिकली मैंने तो NSS स्कूल टाइम से करी है। अच्छा, बट फॉर द रीज़न सोशल वर्क, डोनेशन ड्राइव, अवेयरनेस ड्राइव और बहुत सारी ड्राइव्स, और बेसिकली सोशल वर्क ही होता है इसमें, अवेयर करना लोगों को, जागरूक करना। एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ये है, इसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ABNC विच कैटेगरीज, जिनकी A 1%, B 2% और C 3% होता है। अच्छा, जो कि हमारे मास्टर्स और फर्दर एजुकेशन में काम आता है, कॉलेज एडमिशन में और आगे जॉब में। अच्छा, काम आता है। और क्या कहना चाहोगे NSS को, मतलब क्या कहना चाहोगे आप सबको? NSS की फुल फॉर्म जैसे हम बताते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम ना, इसकी एस्टैब्लिश है 1969। हाँ जी, हाँ जी, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोटो इज नॉट मी बट यू, मोटो इज नॉट मी बट यू। और कुछ क्या कहना चाहोगे सबको, क्या बताना चाहोगे NSS क्यों ज्वाइन करें? NSS क्यों ज्वाइन करें, क्या फायदे क्या है, मतलब क्या मजा आएगा? मजा तो वो फन तो बहुत है। देखो, अब मैं जा रहा हूँ 10 दिन के कैंप में, ठीक है, और स्कूल टाइम पे आप जितने एक्टिव रहते हो उसके लिए, फिर उसके बाद आप अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट होते हो, सो इट्स वेरी बेनिफिट। और साल में हमारा एक कैंप होता है, इसमें भी बहुत मजा है, स्पेशल डे, 7 डेज का कैंप होता है कॉलेज में। जैसे अभी ये 10 दिन के कैंप पे जा रहे हैं और लोग जैसे लेके जाते हैं, जयपुर भी लेके जाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैंप लगते हैं, जो भी नेशनल लेवल के लगते हैं वो बाहर है, जो हमारे कॉलेज लेवल पे कैंप के बारे में बताया, तो नेशनल लेवल के बहुत सारे कैंप होते हैं, जो सबसे टॉप पे प्रायोरिटी होती है वो होती है आरडी कैंप, रिपब्लिक डे कैंप। अच्छा, सेकंड आता है एडवेंचरस कैंप, जिसके लिए अब हम तो सिलेक्ट हुए, ये भी बहुत हाईएस्ट कैंप माना जाता है, इसकी वैल्यू भी बहुत है। NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, उसके बाद हमारा 7 डेज स्पेशल कैंप, और भी इस तरह से बहुत सारे कैंप होते हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। मैंने NIC लगाया, मेरे को सुनने को मिला कि मैं स्टेट अवार्ड के लिए अपॉइंट हूं, लेकिन मैंने भरानी स्टेट अवार्ड नॉमिनेट नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और लास्ट डेट है NSS के फॉर्म भरने की 9 सितंबर, जो कि है कल, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये हम एडमिन ब्लॉक के आगे खड़े हैं, यहाँ पे NSS का जो है ऑफिस है, हमारे महक सर हैं इंचार्ज, है ना। तो अगर आपको NSS ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ पर्सनली, तो मेरे को भी बहुत मज़ा आया, आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, फॉर्म भरना है। मेल पे आया सबको फॉर्म का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसको भर देना। सो आज के लिए इतना ही, आगे भी आपको क्लब्स वगैरह के बारे में बताता रहूँगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आज मैंने आपको मिलाया NSS के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से। सो उन्होंने आपको बताया कि क्या क्या सीन है और कैसा है NSS। तो अगर आपको NSS के बारे में जानना है और थोड़ा NSS को पहचानना है, तो आप मेरे चैनल पे ही देख सकते हो, काफ़ी सारे मैंने वीडियोज़ डाली है NSS के ऊपर, और बहुत अच्छी वाइब है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना, और सेकेंड और थर्ड ईयर वालों को ईजीली NSS वाले रिक्रूट कर लेते हैं। आपको सिंपली एक फॉर्म भरना है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म भरना है आपको, सो उसमें बस आपको रैंडमली बच्चे चूज़ किए जाते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, एज सच कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही है सोसाइटी के लिए। जैसा कि आपने फॉर्म भरते हुए, अगर जब भी फॉर्म भरोगे तो लास्ट में आपको ये क्वेश्चन आता है। और बात रही कि NSS कैसा है, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो बहुत ही अच्छा है NSS, आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, क्राउड बहुत अच्छा है और इंचार्ज बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारे मैक सर हैं और प्रतिभा मैम है, तो बहुत ही मतलब ऐसे घर वाली फीलिंग है, तो घर जैसा क्लब है आपका ये, तो बहुत ही अच्छा है। नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS। तो जैसे कि सेकेंड और थर्ड ईयर का मैंने आपको बताया कि बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को क्या करना है, तो फर्स्ट ईयर वालों को अगर इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में और आपको बहुत ही जुनून है आप में और बहुत ही आपको अच्छा लगता है सोशल वर्क करना, तो आपको सिंपली एडमिन ब्लॉक में जाना है, हमारे मैक सर होते हैं वहाँ पे और कॉलेज में प्रतिभा मैम होते हैं, तो वहाँ पे भी आप उनसे जाके बात कर सकते हो डायरेक्टली कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल वर्क करना, सो आप ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर क्या प्रोसीजर रहेगा। और अगर आपको कुछ भी और पूछना है NSS रिलेटेड, तो कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो कमेंट में आप लिखो, और तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा भाई तुम्हें
सॉल्यूशन देगा हर चीज़ का। और अगला व्लॉग ही मेरा इसके ऊपर है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को कौन कौन सा क्लब ज्वाइन करना है, जैसे एनेक्टस है, रोट्रैक्ट है, और हमारे यहाँ NSS जैसा कि मैंने बताया, और आदर्श फाउंडेशन है, NGO है हमारा कॉलेज का जो नया शुरू हुआ है, उसके बाद हमारे पास है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा और मेल पे भी सबको आया हुआ है। बाय चांस मेल पे कभी कभार नहीं आता, सो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप भर सकते हो। जो रोट्रैक्ट है वो भी हमारे यहाँ पे, एक तो मेन है SD का रोट्रैक्ट है, दूसरा हिमालयन रोट्रैक्ट है, और तीसरा है हमारा पंचकुला का RAC रोट्रैक्ट, वो भी बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छे क्लब्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसके जैसे ही फॉर्म आउट होंगे आपको मिल जाएगा अपडेट इस चैनल पे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबानी है सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने के लिए, और अप टू डेट रखूंगा आपको कॉलेज से, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा और हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको NSS के बारे में बताया, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 9 सितंबर के बाद, तो आपको जस्ट मुझे DM करना है इंस्टाग्राम पे, लिंक मैं दे दूंगा अपनी ID का डिस्क्रिप्शन पे, और मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है NSS को। सो बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आने वाला है। 9 सितंबर के बाद वीडियो देख रहे हो क्योंकि 9 सितंबर को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। सो अगर उसके बाद भी कोई आपको लगता है कि मेरा रह गया या मुझे बाद में पता लगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट DM मी एंड गेट द सॉल्यूशन। और साथ ही साथ अभी हमारा यूथ फेस्ट भी आ रहा है, जो कि बहुत ही शानदार लाजवाब चीज़ है, जो मतलब लाजवाब कॉम्पिटिशन है, जो कि हमारा होता है PU का, और इंटर यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, अभी इंटर कॉलेज होगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे कि मैंने पिछले साल माइम करी थी, और मैंने अपने ब्लॉग पे वीडियो भी डाली है, एंड स्क्रीन में वो मैं आपको दे दूंगा। और यूथ फेस्ट का क्या प्रोसीजर रहता है वो भी सारा आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और अभी हमारे ऑडिशंस है, मतलब आज था हमारा लुड्डी भंगड़ा ऑडिशंस थे, और 14th और 15th को थिएटर के हैं, और सारी लिस्ट जो है मैं भी आपको डिस्प्ले में दे देता हूँ कि क्या क्या कब है, वहाँ से आप देख सकते हो। सो देख लो उसे, और यूथ फेस्ट में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से आपको ज़रूर करना, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। एक महीने की प्रैक्टिस चलती है, और मतलब स्ट्रेंजर्स के साथ आप मिलते हो, और एंड में आप एक इतने अच्छे दोस्त बन के जाते हो, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम ट्राई करना है यूथ फेस्ट में, आपको ज़रूर करना, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, एक अलग ही दुनिया है, ट्राई करना तो बनता है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना है। और अभी यूथ फेस्ट का जो है ऑडिशंस बहुत ही जल्द आ रहे हैं, और आज भी था, और अगर आप इस बार मतलब कोशिश करनी है, हमने मेरा कहने का मतलब है आपको कोशिश करनी है, अगर इस बार नहीं होता तो अगली बार ज़रूर होगा, एक कोशिश होती है ना, आपको एक आइडिया लग जाता है, आप एक नज़रों में आ जाते हो, सो वो आपको ज़रूर कर रहे हैं। और डर को भगा दो, डर को बोलो बाय बाय, क्योंकि ये है यूथ फेस्ट और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर आपको जीत हासिल करनी है तो डर को आपको भगाना पड़ेगा। हालांकि मेरे को भी हुई थी एंग्जाइटी, लेकिन एंग्जाइटी जो है उसको बोलो 2 मिनट के लिए रफा दफा हो जाओ, स्टेज पे चढ़ो और आग लगा दो, उसके बाद बुला लो एंग्जाइटी को वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ठीक है, आगे भी आपको बताता रहूँगा, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। सो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।